उत्पादक समय। हम समय की अगर भाषा करते हैं तो समय को कितना महत्वपूर्ण देते हैं, कितना महत्व हमारे जीवन में है, इसे देखना जरूरी है। और ये वीडियो आप शुरुआत से लेके एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए दे रहा हूं। तो ये समय क्या है, समय का मूल्य क्या है, हम किस तरह हम समय गंवाते हैं और उसका अनुत्पादन जो है वो अनुत्पादन का कितना हम लोग समय गंवाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहला मूल्यवान समय क्या है और जो मूल्यवान समय नहीं है वो क्या है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि जो मूल्यवान समय हम लोग गंवाते हैं वो क्या है। हम लोग समय की कीमत नहीं करते इसका मतलब, और जो भी समय आता है हम लोग उसको बिना सोचे कुछ भी करते हैं, जिससे हमें जो मिलना चाहिए जीवन में वो नहीं मिलाते हैं और किसी और के पीछे हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं और हमारा पूरा एनर्जी उसमें वेस्ट करते हैं। तो ये जो समय आपने लगाया है अपने जीवन के लिए, वो कुछ भी कार्य हो तो वो जो काम है वो सब अनुत्पादक वक्त है या समय है। और ऐसे कितने काम है जो हम लोग बिना सोचे हुए हम लोग करते रहते हैं। शायद आपको लगता है कि ये जीवन में ये काम करेंगे तो अच्छा है, वो करेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन अगर वो काम भी करते तो आपको तसल्ली नहीं होती है। तो जिस वक्त आपको तसल्ली नहीं होती है तो इसका मतलब है वो जो आप काम कर रहे हो वो शायद आपको पैसा भी देता रहेगा लेकिन आपका दिल वहां पे नहीं रहता है। तो वो जो समय आपने गवाया है वो है अनुत्पादक वक्त, अनुत्पादक समय। उत्पादक समय क्या है? तो उत्पादक समय यानी वो समय जिसमें आपका दिल हो, जिसमें आपकी जान हो और आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ऐसा कुछ कार्य कर रहे हो कि जिससे आप खुद आनंदी हो, खुश हो और दूसरों को भी आनंद दे रहे हो, दूसरों को प्रेरणा दे रहे हो और आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप दिलो जान से काम कर रहे हो। तो उसका जो ये जो समय है उसमें कुछ कृति ऐसी हो रही है कि जो दूसरे के विकास के लिए हो रही है, वो शायद उसको कुछ ना कुछ चीजें से उसको फल मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, उसके जीवन में वैल्यू एडिशन हो रहा है, मूल्य एडिशन हो रहा है, ऐसा कुछ काम कि जिससे आपका जो कौशल है वो लगाते हैं आप और ये जो दूसरे लोग हैं उसके जीवन में बदलाव आता है। कुछ ऐसा वर्क करते हैं कि जो टेक्निकल हो, वैज्ञानिक दृष्टि से हो, किसी को लेक्चर देते हो या आप जिस फील्ड में आप माहिर हो वो दूसरों को समझाने की कोशिश करते हो कि जीवन दूसरे का आनंददायक हो। और ये जो समय आप लगाते हो वो सब समय उत्पादक समय कहलाता है। और ये जो दो चीजें हम लोग को देखनी है तो अनुत्पादक जो वक्त है, समय है, उसे उत्पादक समय में परिवर्तन करने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातें मैं बताया जा रहा हूं, तो फिर आपका जो समय है वो उत्पादक हो जाएगा। तो जहां पे नंबर एक की बात ये है, जहां पे भी आपका जो वक्त है, जो समय है वो अनुत्पादक है, उसे पहले देखना चाहिए कि कितना वक्त में अनुत्पादक वक्त में लगा रहा और उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि ये समय है वो अनुत्पादक है। और जब आपकी ये समझ में बात आ जाएगी तो ये आप दूसरे स्टेज में आ जाओगे कि फिर उत्पादक वक्त क्या है, उत्पादक समय क्या है और वो करने के लिए जो भी स्टेजेस है वो हम लोग तय करेंगे कि ये उत्पादक वक्त और अच्छा होने के लिए, उसको ज्यादा वक्त देने के लिए हमें एक दो तीन ऐसे स्टेजेस करो और वो करने के लिए आप आराम से उसके तरफ आप जा सकते हो। और तीसरी महत्वपूर्ण ऐसी चीज है कि आप ये करते हुए खुद के ऊपर भरोसा रखो कि मैं जो भी करूंगा इसके साथ तय करो कि मैं विश्वास के साथ, पूरे होश हवास के साथ इसका मैं प्रैक्टिस करूंगा, कार्य करूंगा इसके ऊपर कि मेरा हर जो भी काम करूंगा इसके बाद वो उत्पादक के लिए ही काम करूंगा, अनुत्पादक काम मैं बिल्कुल करूंगा नहीं। मैं बसादिक हूं, मैं स्वास्थ्यवर्धक प्रशिक्षक हूं, लेखक हूं और 1 कोटी लोगों के जीवन में आनंद, स्वास्थ्य और दुख मुक्त करने के लिए और उनके जीवन में मैत्री, करुणा और शांति लाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। यह मेरा दृढ़ निश्चय है, मेरा उद्देश्य है मेरे जीवन का। और पसंदी का माइंडफुलनेस ये मेरा वीआईपी ग्रुप है, इसमें मैं प्रेरित विचार देता हूं। उसके लिए आप ये ग्रुप में आने के लिए आप इमीजिएटली मुझे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।